सभी कार्यक्रमों में अथॉरिटी की तरफ से और शासन की तरफ से हमेशा ये बात कही जाती है कि कोई भी शहर सफलता पूर्वक स्वच्छ नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अथॉरिटी, शासन, प्रशासन और नागरिक मिलके साथ कदम ना बढ़ाएं। तो निश्चय ही चाहे हमारे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हमारे रेजिडेंट्स हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, बहुत सारे लोगों को आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। हमारे बहुत सारे वेंडर्स को भी आज सम्मानित किया गया है। तो जब तक हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नोएडा सही मायने में स्वस्थ और स्वच्छ नहीं हो पाएगा। आज कोविड काल के दौरान कुछ लोगों ने जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले भी, चाहे हमारा एक रोटी बैंक चलता था, खाना बांटने में मदद की, बहुत सारी संस्थाओं ने मदद की, पहले भी नोएडा अथॉरिटी के द्वारा से प्रोत्साहित किया गया। काफ़ी लोग थे जो छूट रहे थे, आज उनको भी प्रयास किया गया है कि एक उनको भी एक रिकग्निशन, एक एक्नॉलेजमेंट नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दी जाए। मैं सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज निश्चय ही हम लोगों के लिए एक बड़ा दिन है कि हम सब लोग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए गए हैं और जगह जगह जहाँ जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से काम किया जा रहा है। यूपी ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए लगातार पिछले 5 वर्षों में काम काफ़ी हुआ है और पूरा प्रदेश ODF डिक्लेयर हुआ, सारे नगर निगम, नगर पालिकाएँ, सारे गांव ODF डिक्लेयर हुए, सभी जगह शौचालय बने। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बाकी कुछ स्टेट से काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ का जो पॉपुलेशन प्रेशर है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हर मंच में ये बात होती है, हर RW के साथ ये बात होती है कि हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नोएडा से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं पीछे हैं। लेकिन अगर हम स्वच्छता की बात करें तो नोएडा